जाते हवा हवाई, कभी विदेश जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, देश में संभल ये नहीं रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द का चयन करना ये सही है? और प्रधानमंत्री है देश के? मोदी जी का जितना नॉलेज है न, इतना गाय चराने वाले के देश की जनता का नॉलेज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान आप शुरू किया, कहाँ गया? बेटी की शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगी, गरीबता कैसे दूर होगी, ये सब पता है प्रधानमंत्री के? खाली बोलते हम गरीब का बेटा है। ये मोदी जी जब भी आए, केंद्र सरकार फेल है, हर चीज में फेल है, चाहे गृह विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे रेल विभाग ले लीजिए, ये देश पढ़े लिखे से चलती है, अनपढ़ गंवार से नहीं देश चलती है। जिस दिन से देश पर प्रधानमंत्री बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी को, उसी दिन से देश का स्थिति खराब है। चांद पे पहुंच गए मोदी जी के सरकार पे, आप कहते हैं कि फेल है। लालू यादव अगर देश में नहीं होते तो देश की जनता आज गुलामी करता। मोदी के सामने देख लीजिए, अभी युवा चेहरा सबसे बड़ा देश में छाए हुए तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू जी के बेटा, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं भाई? आप क्या बोल रहे? ये अंग्रेजों वाली जो बीजेपी सरकार है जो लालू यादव से डरती है, लालू यादव जब देश को आह्वान करता है तो नरेंद्र मोदी के दिल्ली के कुर्सी डगमगाना शुरू कर देता। बीजेपी वाले सुधार जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। राहुल गांधी को अगर कोई दिमाग दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, इसका नाम लालू प्रसाद यादव है। हम अभी मौजूद हैं आरजेडी के कार्यालय के पास, और हमारे साथ आरजेडी के महासचिव हैं। उनसे पूछते हैं कि राहुल गांधी को अभी चुनाव आयोग की तरफ से समन भेजा गया है उनके पनौती वाले बयान पे, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है और ये कितना सही है और कितना गलत है, क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए, राहुल गांधी जो बयान दिए हैं वो कोई गलत बयान नहीं है। कैसे सही बयान है? जिस दिन से देश पर प्रधानमंत्री बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी को, उसी दिन से देश का स्थिति खराब है। गैस का दाम बढ़ गया, ट्रेन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, जमीन भी कहीं बेच रहे हैं। अब बताइए, जब ये हाले गए वहाँ क्रिकेट हो रहा था वर्ल्ड कप, वो भी हार गए। बताइए, जब देश का पौरा पार्टी होता, घर में अगर कोई भी एक पशु कोई भी जीव पैदा लेता तो कहता नहीं इसका संस्कार से ये उन्नति हुआ घर का। ये देश का काम है, देश में अगर अच्छा विकास नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा, ये सारा रिक्स प्रधानमंत्री कराता है। तो मैं छर गए तो इसमें प्रधानमंत्री क्या गलती है? प्रधानमंत्री मैं छर गए, खिलाड़ी पर बढ़िया से परेस्टी करवाइएगा, पैसा खर्चा करवाइएगा, तभी न चलेगा। 10 मैच ऐसे जीत गए थे? कौन 10 मैच जीत गए? 10 मैच जो हम लोग जीते, 11वां हार गए, तो ऐसे जीत गए थे? तैयारी पूरी थी तब ना? तैयारी कम हुई थी। कैसे कम हुई थी? देखिए, तैयारी इधर लगाइए ना, तैयारी की जो भी बात चलता है, कोई भी चीज तैयारी जो होती है वो सिस्टम की तैयारी होती है। 10 मैच जीत गए, 11वां हार गए, तो क्या हुआ? ये मोदी जी का दोष है, क्यों नहीं आप परेस्टी करवाए, क्यों नहीं क्रिकेट पर ध्यान देते हैं? आप सीधे हवा हवाई, कभी विदेश जा रहे हैं तो कभी उधर जा रहे हैं, देश में संभल ये नहीं रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द का चयन करना ये सही है? और प्रधानमंत्री है देश के? प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री तो है ही, करीब अगर कुछ मुंह से बोल ही दिए तो इस लायक है ये प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं। अरे, आप गरीब को आगे बढ़ाने की बात कहे थे, कहाँ गया गरीब? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान आप शुरू किए, कहाँ गया? बेटी की शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगी, गरीबता कैसे दूर होगी, ये सब पता है प्रधानमंत्री के? खाली बोलते हम गरीब का बेटा है, आइए अडानी और अंबानी के साथ है प्लेन में चलते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से जो हारे हैं वो खिलाड़ियों के खेल कैसे नहीं हारे, सिर्फ मोदी वहाँ पे मौजूद थे इसलिए हार गए, ये कैसा तर्क है? मोदी जी की सरकार में सब कुछ फेल है। ये मोदी जी जब भी आए, केंद्र सरकार फेल है, हर चीज में फैले, चाहे गृह विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे रेल विभाग ले लीजिए, एकागो इसका विभाग अगर सही तरीका से चलेगा तो हम हाथ काट देंगे। कैसा बात बोलते हैं हम लोग? दिवालिया घोषित। चांद पे पहुंच गए हम लोग, चांद पे पहुंच गए मोदी जी के सरकार पे, आप कहते हैं कि फेल है? चांद पर पहुंच गए, चांद पर अगर भारत की जनता सब पहुंच जाएगा जिस दिन हम मोदी जी का धन्यवाद देंगे। चंद्रयान-3 के बारे में सुने हैं ना? सुने हैं। तो फिर? अरे, ये बेवकूफ इनको बनाए, जो पढ़े लिखे आदमी को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? ये देश पढ़े लिखे से चलती है, अनपढ़ गंवार से नहीं देश चलती है। मोदी जी का जितना नॉलेज है ना, इतना गाय चराने वाले के देश की जनता का नॉलेज है। तो देश को ऐसे चला रहे हैं, नॉलेज नहीं है तो? नॉलेज कहाँ नॉलेज है, देश चलता तो घर में कर्जा रहता है, घर में कर्जा ले लेके देश को चला रहे हैं, कितना करोड़ कर्जा ले लिए हैं, कौन तोड़ेगा, किसको पर थोप के जाएंगे? अब जितना कर्जा लिए है, अब आने वाले राहुल गांधी जी देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कोई भी कर्ज लेता इसका जिम्मेदार होता है ना, ये इतना कर्ज कर देंगे कि तोड़ने वाले के दिमाग
कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से। एक बार देश, हमारे देश के ऐसे स्थिति थे कि हमारे देश पर अंग्रेज ने कब्जा कर रखा था। अंग्रेज से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह इस देश को आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। अब ऐसे प्रधानमंत्री देश चलाएंगे तो फिर हमको देश के लिए लड़ना पड़ेगा। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर क्या कहिएगा, मोदी आएंगे या फिर मोदी के सामने कौन सा चेहरा है जो उनको उनको टक्कर देगा? मोदी के सामने देख लीजिए, अभी युवा चेहरा सबसे बड़ा देश में छाए हुए हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू जी के बेटा। अभी देखिए यूपी चले जाइए, मुख्यमंत्री के लिए ना, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकते हैं तेजस्वी जी। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री इतना, ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं देश को, देश को प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इतना काबिलियत तेजस्वी प्रसाद यादव में है, जो कि लालू जी के आदर से चलने वाले नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर से चलने वाले नेता, बाबा भीमराव के संविधान को बांधने वाले नेता हमारे तेजस्वी जी हैं। इनका संविधान से तेजस्वी जी चलते हैं, इनकी बातों में जो दम होता है वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश जी जहाँ इनको बैठा देंगे वहाँ सेटअप हो जाएंगे। अरे ये तो चाचा भतीजा की सरकार है, अगर भतीजा चाचा अगर चाह जाएगा कि हमारा बेटा देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा। चाचा बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं, चाचा तो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, दोनों में से कोई मुकाबला हो जाएगा। हम तो बोले अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो बिहार को 20 बरस चलाए हैं, ये भी बिहार को विकास किए हैं, अगर आने वाला समय 2024 में मौका मिला तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। अगर बाकी सब देखते रह जाएंगे, बाकी क्या है, बाकी के क्या कैपेसिटी है हिंदुस्तान में, जो लालू यादव अगर देश में नहीं होते तो देश की जनता आज गुलामी करता। अच्छा, लालू यादव नहीं होते तो जनता गुलामी करती, क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ये अंग्रेजों वाली जो बीजेपी सरकार है जो लालू यादव से डरती है, लालू यादव जब देश को आह्वान करता है तो नरेंद्र मोदी के दिल्ली के कुर्सी डगमगाना शुरू कर देता। अगर देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है इसका नाम लालू प्रसाद यादव है। तो बिहार में ना, बिहार में देश तक नहीं, आरजेडी देश तक नहीं पहुँचा। यही मैं आज खुल के बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, जिस टाइम सोनिया गांधी विपरीत स्थिति में थे, जिस टाइम ये बोलते थे बीजेपी वाले कि सोनिया गांधी दूसरा देश का है, इटली का है, लालू यादव ने सदन में उठ के आवाज़ दिया कि बीजेपी वाले सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। ये देश की बेटी है, इसका परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इस पर तुम आरोप लगा रहे हो। उसी दिन बीजेपी वाला सुधर गया कि लालू प्रसाद यादव है राहुल गांधी के पीछे खड़ा। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी को अगर कोई दिमाग दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, इसका नाम लालू प्रसाद यादव है। आपने जिनको सुना उनका कहना है कि मोदी जी जो है वो देश से निकलने वाले हैं, जो राहुल गांधी का बयान था वो बिल्कुल सही था, मोदी जी सच में पनौती है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर देखिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति और आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग।